महानगर में बैरियर चेकिंग ऐप से संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा रही है, जिसके संबंध में SPCT सोनम कुमार ने बताया कि 4 महीने पहले जनपद पुलिस ने बैरियर चेकिंग ऐप बनाया था, जिसको सभी पुलिस कर्मियों ने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया था तथा जब भी कोई बड़ा त्यौहार होता है तो बैरियर चेकिंग ऐप के माध्यम से सभी चौराहों पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जाती है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों त्यौहारों में भी इसका प्रयोग विभिन्न चौराहों पर चेकिंग करके किया गया तथा व्यक्तियों के पूरे डिटेल इस ऐप में भरा जाता है। उन्होंने बताया कि अगर कोई घटना घटती है तो इससे यह पता चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति किस जगह पर था तथा ऐप से यह भी पता चल जाता है कि किस उपनिरीक्षक ने किस जगह पर चेकिंग की है। SPCT ने बताया कि जिन 5 उपनिरीक्षकों ने अच्छा चेकिंग का कार्य किया था उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि बैरियर चेकिंग ऐप अपराधियों पर नकेल कसने में काफी कारगर साबित हो रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT सोनम कुमार ने कहा, 3-4 महीने पहले गोरखपुर पुलिस ने एक ऐप बनाया था, बैरियर चेकिंग ऐप, और उसको सभी पुलिस कर्मियों ने डाउनलोड किया था। जब भी कोई बड़ा त्यौहार होता है, जैसे पिछले दिनों दुर्गा पूजा हुआ था, धनतेरस, दिवाली में 3 दिन की लगातार सघन चेकिंग हुई थी, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। आपराधिक दृष्टिकोण से जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी चेकिंग की जाती है, उनके डिटेल लिखे जाते हैं, जैसे नाम, पता, वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, उनके गाड़ियों का नंबर, उनका फोटो, सारा डिटेल हमारे पास होता है। इससे अगर कोई क्राइम या घटना घटती है तो हमें पता होता है कौन सा व्यक्ति किस जगह था। उसके अतिरिक्त इसमें सब इंस्पेक्टर्स की लाइव लोकेशन आती रहती है, उनके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिलता रहता है, अक्षांश देशांतर मिलता रहता है, तो ये इंश्योर होता है कि किस सब इंस्पेक्टर ने कहाँ कितनी चेकिंग की है। धनतेरस में 3 दिन के सघन चेकिंग अभियान में 5 लोगों ने बहुत अच्छी चेकिंग की थी बैरियर चेकिंग ऐप पर, उन सबको मेरे द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया है और आगे भी अभियान चला के ऐसी चेकिंग करते रहेंगे हम, ताकि अपराधियों पर रोक लगाया जा सके। खास करके जो नई उम्र के लड़के होते हैं जो बाइकों पर घूमते हैं और चुनौती ऐसी सारी घटनाएं करते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए काफ़ी प्रभावी साबित होगा। कितना कारगर साबित हो रहा है ये? काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। इसमें दोनों फायदे हो रहे हैं, एक तो पुलिस की मॉनिटरिंग हो रही है कि कौन कहाँ चेकिंग कर रहा है, कितनी चेकिंग कर रहा है, अच्छा कर रहा है उसे प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है, जो नहीं अच्छा कर रहा है उसके OR लगाए जा रहे हैं। दूसरा, आपराधिक डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, जिसमें कि ये पता चल रहा है कि कौन सा व्यक्ति किस बैरियर से कब गुजर रहा है, अगर वो आपराधिक दृष्टिकोण का लगता है हमें तो उसकी चेकिंग करके उसको अपलोड किया जाता है।